गुड लाइफ इज ए कलेक्शन ऑफ हैप्पी मेमोरीज, और इनमें से एक है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक 20 साल बाद आई एम विजिटिंग दिस ब्यूटिफुल बर्ड्स पैराडाइज। केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ऑल्सो नोन एज अ भरतपुर बर्ड सेंचुरी, विच इज वन ऑफ द बेस्ट बर्ड वॉचिंग पार्क इन द एंटायर वर्ल्ड। एक जमाना था जब यहां एक दिन में 4000 से ज्यादा बर्ड्स को शिकार के लिए मार दिया जाता था, लेकिन आज ये जगह 400 से ऊपर दुर्लभ प्रजातियों का फलता फूलता घर है। आगरा से भरतपुर पहुंचने में मुझे लगभग 40 मिनट लगे। आपको अंदर जाने के लिए 126 रुपए का टिकट लेना पड़ता है। आप यहां पर रिक्शा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और साइकिल किराए पर ले सकते हैं, और मैंने भी 100 रुपए देकर एक साइकिल रेंट कर ली। सुबह के 8:30 बज चुके थे और ढेर सारे सैलानी भी बड़े बड़े कैमरों के साथ इस यात्रा पर निकल चुके थे, जिनमें से विदेशी टूरिस्ट कुछ ज्यादा ही थे। कुछ देर में मेरी साइकिल हवा से बातें कर रही थी। बहुत जल्दी थी मुझे इस बर्ड सेंचुरी को एक्सप्लोर करने की। रास्ते में बारहसिंगा नजर आना शुरू हो गए। एक हिरन से तो काफी क्लोज एनकाउंटर हुआ, मैं उसके ज्यादा ही नजदीक पहुंच गया और शायद उसे मेरा बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा पीछे चला गया। फिर मैंने यहां से भागना ही ठीक समझा। मैंने पूरा किलोमीटर भी पार नहीं किया था कि मुझे पेंटेड स्टॉक की एक बड़ी कॉलोनी नजर आई, जो अपने आप एक पूरी किंगडम थी। पेंटेड स्टॉक बेहद खूबसूरत होते हैं, गुलाबी, नारंगी और सफेद रंगों से ढकी इनकी फर बहुत सुंदर नजर आती है। लंबी पतली टांगे और नुकीली चोंच इन्हें दूसरे पक्षियों से अलग करती है। पेंटेड स्टॉक शांत स्वभाव और एक ही मुद्रा में घंटों तक खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। इनकी चहचाहट लोगों को आकर्षित करती है। ये हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वैसे तो पेंटेड स्टॉक इंडोनेशिया, नेपाल, सिंगापुर के आसपास भी देखे जाते हैं। ये एक साथ एक बड़ी कॉलोनी क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को घोंसला बनाने में हेल्प भी करते हैं। इनकी ब्रीडिंग कॉलोनी अगस्त में बनती है। ये कॉलोनी बनाने के लिए शांत और दलदल वाला इलाका चूज करते हैं, जहां उनके बच्चों को फूड की कमी बिल्कुल ना हो, क्योंकि हर दिन इनको अपने बच्चों को ढेर सारी मछलियां खिलानी पड़ती हैं। आगे चलकर हमें स्नेक बर्ड नजर आई, जिसे डार्टर भी बोलते हैं। ये ज्यादातर अपना वक्त पेड़ पर बिताते हैं और उड़ना बहुत कम पसंद करते हैं। इनकी लंबी गर्दन की वजह से इन्हें स्नेक बर्ड कहते हैं। ये पानी में लंबे वक्त तक रह सकते हैं और अंदर ही अपना शिकार भी ढूंढ लेते हैं। कई बार इनका पूरा शरीर पानी में और सिर्फ गर्दन ऊपर नजर आती है, और इन्हें ग्रुप में देखने में काफी मजा आता है। ये प्रजाति विलुप्ति के कगार पे है और इसकी वजह है इनके अंडों का अवैध शिकार। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, बर्ड्स को कैप्चर करने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर जाकर हमें यूरेशियन क्रूट का एक बड़ा ग्रुप दिखाई दिया, जो एक लेक में आराम से तैर रहा था। पर ये किसी कलर पेंटिंग जैसा दृश्य था। यूरेशियन क्रूट मूलतः यूरोपियन पक्षी है। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। दिखने में कुछ कुछ छोटी बतख के आकार का एक पक्षी, काले रंग का होता है। उसके सर पर सफेद तिलक जैसा निशान होता है और सर्दी के दिनों में यह पक्षी एशिया आता है। भरतपुर के अतीत का हर पन्ना सुनहरा नहीं है, इस पर कुछ काले दाग भी हैं। ये उद्यान कभी भरतपुर के महाराजाओं की पसंदीदा शिकारगाह था, जिसकी परंपरा 1850 से भी पहले की थी। यहाँ पर ब्रिटिश वायसराय के सम्मान में पक्षियों के सालाना शिकार का आयोजन होता था। ₹1938 में करीब 4273 पक्षियों का शिकार सिर्फ एक ही दिन में किया गया था। 26 अगस्त 1981 में इस जगह को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ।
1985 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया। भरतपुर बर्ड सेंचुरी का निर्माण 250 वर्ष पहले किया गया था। और इसका नाम केवलादेव शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था। यह मंदिर इसी पच्ची विहार में स्थित है। घना में करीब 11 वर्ग किलोमीटर एरिया में झीलें हैं, जो छिछली हैं, जिनमें बड़ी तादाद में मछलियों के अलावा तमाम तरह की वनस्पति होती है, जिसे प्रवासी पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। कुछ 700 मीटर आगे बढ़ने के बाद ग्रेटर कॉर्मोरेंट का एक बड़ा दल नजर आया, जिनमें से कुछ आराम से एक ही जगह पर धूप सेक रहे थे। ग्रेटर कॉर्मोरेंट पक्षी को स्थानीय भाषा में जल काग या जल कौवा के नाम से भी जाना जाता है। अब एक ऐसा बर्ड जिसके बारे में कुछ ऐसी कहानी है कि वो कभी धरती पर पैर नहीं रखता। नाम है हरियल, यानी येलो फुटेड ग्रीन प्रेजेंट। सर्दी की वजह से इनकी बॉडी थोड़ी फूली हुई थी और काफी ऊंचाई पर होने की वजह से इन्हें क्लियरली शूट करना थोड़ा मुश्किल था, पर कहानी वाला कबूतर फाइनली आज मिल ही गया। बीच बीच में दो कैंटीन भी मिलते हैं, जिनमें चाय, चिप्स और पानी बिस्किट के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो आप यहाँ पर लंच प्लान करके तो बिल्कुल मत आइए, पर इस जगह पर आप टी ब्रेक लेकर अपनी थकान जरूर मिटा सकते हैं। आप यहाँ पर बोट लेकर भी कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पर जा सकते हैं, जहां से आपको इस जगह का बेहद स्पेशल व्यू मिलेगा। मैं इस बोट को लेने के लिए थोड़ा सा लेट हो चुका था, पर बोट में बैठना काफी मजेदार एक्सपीरियंस होगा। वाइल्ड लाइफ कवर करने वाले फोटोग्राफर्स का डेडिकेशन देखने लायक होता है। एक एक पिक्चर को कैप्चर करने के लिए घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं और कुछ तो ये काम लेट कर भी करते हैं। मेरी दोस्ती ऐसे ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से हुई, जिन्होंने मुझे कुछ दुर्लभ प्रजातियों के बर्ड्स दिखाने में मदद की और साथ ही साथ इस सेंचुरी के लिए काम कर चुके सलीम अली के बारे में भी बताया। This place was a hunting ground for the Maharaja at one time. If you go down, you'll see the number of birds killed every year. Hmm. And it's fortunate that it's become a national park now. यहाँ 40 साल से ज़्यादा काम कर चुके कर्मी मान सिंह जी ने भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। अभी बर्ड आएंगी, पेलिकन आएंगी और फ्लेमिंगो को भी आएंगी, मिलाट भी आएंगी, गढ़वाल है, पोचर्ड है, विजन है, शबलर है, डिफेंस का तो पोचर्ड है, कूट वूट आ चुका है, शबलर भी आ चुकी है, बहुत सारे बर्ड भी आएंगे। दोपहर हो चली थी और मैं अभी भी बहुत सारे पंछियों की तलाश में था। अब आगे जाकर मुझे आइबिस का एक बड़ा दल दिखाई दिया जो काफी दूर था, तो बस फिर मैंने यहां से भी अपनी साइकिल घुमा के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और थोड़ी दूरी पर मुझे एक बिटन दिखाई दिया जो फुर्ती से लेक की तरफ भागा, और कुछ देर बाद खुद ही ऐसे कैमरे की तरफ देख रहा था जैसे मानो पोज दे रहा हो। और आगे जाकर मुझे ढेर सारे कलरफुल डक्स भी दिखाई दिए, जिनके नाम मुझे गूगल करके पता लगे। कुछ एरिया में यहाँ पर काला हिरन, सांबर, पाइथन, जंगली सुअर और गीदड़ भी देखे जाते हैं। ये जगह एक दिन में कवर तो की जा सकती है, लेकिन इतनी सारी बर्ड्स को एक दिन में देखना पॉसिबल नहीं है, तो सर्दियां खत्म होने से पहले एक चक्कर मारना तो बनता है। तो फिर जल्द मिलेंगे, और तब तक ये पेंटर्स डॉग्स के चेक्स अपने मॉम डैड की तरह बड़े हो चुके होंगे और अपनी पहली उड़ान के लिए भी।